चेंसो मैनकाइंड में फाइनली एयर होना चालू हो चुका है, लेकिन इंडिया में रहने वालों के लिए वो इतनी बड़ी गुड न्यूज नहीं है। क्या करें, इतने साल से एनीमे देख रहे ना, तो जुगाड़ वाले रस्तों से एक रिश्ता सा बन गया है। इसीलिए बिना कोई दिक्कत उठाए मैंने चेंसो मैन के पहले दोनों एपिसोड देख डाले और वो मेरे को पसंद आए। एपिसोड नंबर 1 की अगर हम लोग बात करें तो वो एक अच्छा पायलट था, जहां तक पायलट्स की बात जाती है। इस एनीमे के अंदर हम लोग जो दुनिया देखने वाले हैं, जो लोग देखने वाले हैं, उनका एक अंदाजा मिल जाता है। डेविल वर्सेस ह्यूमन का कंसेप्ट ये उठा रही है और ये अपन ने ऑलरेडी बहुत सारे एनीमे में देख लिया है। कुछ एनीमे के अंदर एकदम पॉजिटिव वे में दिखाया जाता है कि एकदम स्ट्रॉन्ग हार्टेड और अच्छे इंसान है डेविल्स को मार रहे हैं, व्हाइट वर्सेस ब्लैक, और एंड सबको पता है। थोड़े बहुत एनीमे ऐसे भी होते हैं जैसे कि डेविल मैन क्राई बेबी, वो ब्लैक व्हाइट गैप तेलने। चेंसो मैन की जो दुनिया है ना, उसके बारे में मेरे को कुछ नहीं पता, लेकिन दो एपिसोड देख के मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि इसके अंदर चीजें एकदम रोजी रोजी नहीं अपने हीरोज के लिए। जो वाइब पहले दो एपिसोड देते हैं ना, उससे अंदाजा लग रहा है कि ये थोड़ा बहुत एक रियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन होने वाला है कि अगर डेविल एक्चुअल में एग्जिस्ट करते तो दुनिया कैसी होती। डेविल या मॉन्स्टर हंटर सबसे बड़े सुपरस्टार नहीं होते, उनको पूजा नहीं जाता, लेकिन जो अपने को खून खराबा और मैसेकर वाली चीजें पहले एपिसोड के अंदर दिखाया ना, वो जरूर रोजी रोजी है, एटलीस्ट मेरे लिए तो, क्योंकि मेरे को इसे देखने में मजा आता है। मैं भी राक्षस है। एक और चीज, वो सारे एक्शन को लेकर मुझे पसंद आई ना, कि जो मेन कैरेक्टर है डेंजी, वो इनविंसिबल नहीं है। जब वो चेनसॉ यूज करता है तो वो उसको भी कट करते हैं और उसका भी खून जाता है। और अब जब डेंजी की बात निकल गई है, तो उसके मोटिवेशंस को कैसे इग्नोर कर सकते हैं। नॉर्मल जो एनिमे प्रोटैगनिस्ट होते हैं, भैया उनको होकागे बनना है, देश का लीडर बनना है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बनना है। डेंजी उसको कुछ नहीं, उसको अपने ब्रेड के ऊपर बस जैम चाहिए। जब ब्रेड के ऊपर जैम मिलने लगता है, रोज सुबह नहाने को होता है, रहने की टेंशन नहीं, खाने की टेंशन नहीं, तो अगला मोटिवेशन क्या है बंदे का, ही वॉन्ट्स टू फील सम बूब्स, एज सिंपल एज दैट। कितनी ज्यादा गजब चीज है ना, मैं ये ठर के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, स्टोरी के हिसाब से, कि उसका जिस तरीके से बचपन बीता है, वो दुनिया का हीरो, दुनिया का सेवर नहीं बनना चाहेगा, क्योंकि दुनिया ने उसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया है। ऊपर से प्रोबेबली टीनेजर है, तो जब उसके सामने माँ की माँ और पावर जैसे लोग आ जाए, ध्यान कहाँ रहेगा उसका। लेकिन एपिसोड 2 के अंदर जब उसने बोला ना कि इट्स नट्स और नथिंग, तो मैंने नहीं सोचा था कि भाई वो लिटरल मीनिंग बताएगा अपने को, क्योंकि जो बंदा उसके सामने है उससे लड़ाई होती है उसकी, और गोटे छोड़ के कहीं और मारता ही नहीं, नट्स और नथिंग, वो भी इतनी बार मारता है इतनी जोर से कि सामने वाले के मुंह से खून आने लगता है, कहां का कहां ट्रैवल कर गया। लेकिन अंदर से ऐसा अंदाजा आ रहा है कि शायद आगे चल के वो उसका बेस्ट फ्रेंडो बन जाए। CGI और एनिमेशन के बारे में बात करना चाहेगा मैं, क्योंकि वो नोटिसेबल था स्पेशली पहले एपिसोड के अंदर। मैं कोई बहुत बड़ी कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि खराब था, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि वो नोटिसेबल था, क्योंकि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जिनको CGI दिखा मतलब खून खोल जाता है कि एनिमे के अंदर तुम CGI कैसे डाल सकते हो। नहीं, CGI डाल रहे हो अगर वो बाकी सीन्स के साथ अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, कोई इशू नहीं। और जो पूरी एनिमे इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करके ही उस स्टेज तक पहुंचेंगे, एकदम से रिजल्ट नहीं आने वाले। लग भी ऐसा ही रहा है, क्योंकि कुछ और एनिमेस के अंदर मैंने भी ये चीज नोटिस करी कि जो क्राउड होते हैं ज्यादा या फिर बैकग्राउंड वर्क होता है, वो अब मोस्टली CGI में ही किया जा रहा है, क्योंकि ये सब कुछ 2D में करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। और चेंसो मैन को लेकर तो मैं कंप्लेन नहीं ही मारूंगा, क्योंकि जो एपिसोड 2 के अंदर अपने को एक टाइप बांधने वाला एनिमेशन दिखाया, मैंने बोला इनका बजट यहाँ जा रहा है, ओ नाइस। और अब जब टाइप बांधने की बात निकल चुकी है, तो जो बांध रही थी माँ की माँ, उनकी भी बात कर लेते हैं। मैंने जब ये पहली बार नाम सुना था ना, तो पहला थॉट माइंड में आया था कि ऐसा कैसा नाम रखा है, जवान से निकलते ही माँ की गाली देने का मन करता है, और दो एपिसोड देने के बाद तो ये फीलिंग और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सीधा कुत्ता बना दिया बे, वो भी स्टोरी के मेन प्रोटैगनिस्ट को, सटर ली गई माँ की माँ मरवाने, पूछ भी नहीं रही उसको, सीधा बता रही है कि तू मेरा कुत्ता है, नहीं बनेगा तो मरवा दूंगी तेरे को। साथ में मैं अकेला तो नहीं हूं ना जो ये चीज नोटिस कर रहा है कि माँ की माँ को पता है डेंजी को क्या चाहिए, और वो बराबर उतनी ही चीजें उसको दे रही है, यू नो कि हाँ भाई यही तेरा मोटिवेशन है तो ठीक, तेरा काम में निकलवाएगी। दो ही एपिसोड हुए लेकिन उसके रंग छलक के दिख रहे हैं, और अब तो लग रहा है कि भाई दुनिया को कोई नहीं बचा सकता उसके, क्योंकि अपना जो लास्ट होप था पोचिता, He's dead, sad for Pochita. लेकिन वो एक बहुत फेमस वाली कहावत है ना कि जहाँ पे बुराई होती है वहाँ पे अच्छाई भी है, तो अच्छाई की झलक दिख गई। अब उसके कैरेक्टर के बारे में ज्यादा बताया नहीं, लेकिन लग रहा है कि जो फावा होगी, नांदा फावा होगी, मेरे को नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ। सोच के देखो कि जब माकिमा डेंजी को सबमिट करने बोलती है तो अपने को गुस्सा आ रहा है, लेकिन वही जब पावर बोलती है पूरे ह्यूमंस को, मैं होता तो कर देता,
जैसा मैंने बोला कि चेनसॉ मैन का एपिसोड नंबर 1 एक पायलट की तरह था, जिसके अंदर अपने को एक्शन दिखा दिया, कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन दे दिया, जो बेसिक मोटिवेशन है वो बता दिया। एपिसोड नंबर 2 में एक्शन बैक सीट ले लेता है और कैरेक्टर स्टोरी फ्रंट सीट में। बेसिक सा आइडिया लग चुका है कि किसके बारे में होने वाली है, लेकिन आगे चल के क्या बवाल होगा ये तो आगे के एपिसोड्स में पता चलेगा। हर एक एपिसोड पे मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि और भी बहुत सारे एनिमे फॉलो कर रहा हूं, पिछली वीडियो में बता दिया। तुम में से किसी ने आइडिया दिया कि हफ्ते में एक वीडियो बनाओ, जितने भी 4-5 एनिमे फॉलो कर रहे हो सबके एपिसोड पे बात कर लेना। आइडिया मेरे को सही लगा है तो बोलो करना चाहिए क्या। बाकी मैं चला साइकिक देखने, आंखों की बैंड बच चुकी एक सीजन खत्म करने में।